भारतीय सीमा पर चीन की बढ़ती चालबाजियों के मद्देनजर भारतीय सैन्य बलों ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। भारतीय सेनाओं ने हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। मोर्चा चाहे जमीन पर हो या हवा में, भारतीय सेना की तैयारियां देख चीन के पसीने छूट रहे हैं। सीमा पर जो हालात बने हुए हैं उनको देखते हुए भारतीय वायुसेना की अहमियत काफी बढ़ गई है। वायुसेना की मदद से सीमा पर भारतीय थल सेना के लिए जरूरी गोला बारूद और अन्य सैन्य सामग्रियां पहुंचाई जा चुकी हैं। इस बीच वायुसेना ने अपनी ताकत में भी इजाफा करने के लिए 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दे दिया है। रूसी लाइसेंस के तहत बनने वाले इन जेट्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तैयार करेगी। भारत के पास पहले से ही 272 ऐसे लड़ाकू विमान मौजूद हैं। यानी अब ये फाइटर जेट IAF का भरोसेमंद सिपाही बन चुका है। लेकिन एक खबर यहाँ पर काफी दिलचस्प है कि चीनी वायुसेना के पास भी सुखोई 30 विमान मौजूद है। फिर भी दोनों देशों की सेनाओं के पास मौजूद सुखोई विमानों में कुछ असमानताएं भी हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से देश का सुखोई विमान ज्यादा ताकतवर है। भारतीय एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों में सुखोई 30 MKI की संख्या सबसे ज्यादा है। नासिक की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फैक्ट्री में अभी भी एडिशनल जेट्स बन रहे हैं और अगले 2-3 साल तक बनते रहेंगे। बाकी SU-30S से भारत का वर्जन बहुत अलग है क्योंकि इसे IAF की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। यूं तो हर सुखोई 30 में रूस की R-73 और 77 मिसाइलें होती हैं, लेकिन भारतीय वर्जन में अब लंबी रेंज वाले अस्त्र 3 मिसाइलें होंगी। बियॉन्ड विजुअल रेंज ये मिसाइल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। इससे फाइटर जेट को बिना लिमिटेड रेंज की टेंशन लिए टारगेट को उड़ाने की क्षमता मिलेगी। भारत के लिए जो MKI लड़ाकू विमान बनते हैं उनमें एडवांस्ड इजरायली एविनॉटिक्स का यूज होता है। इसके अलावा इनमें एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी होता है जो इन्हें बाकी सुखोई 30S से अलग बनाता है। भारतीय सुखोई 30 MKI ने ब्रह्मोस मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और अब बात चीन के सुखोई की करें तो वो इसलिए भी कमजोर है क्योंकि वो इजरायली या वेस्टर्न मिसाइल्स का यूज नहीं करता। उसने MK वर्जन के 73 और नेवी के लिए MK2 वर्जन के 24 प्लेन बनाने का ऑर्डर दिया था, मगर भारतीय MKI के मुकाबले चीनी सुखोई में थ्रस्ट वेक रिंग इंजन नहीं है। इसके चलते उन्हें कठिन टेरेन में उड़ना और मुश्किल हो जाता है। चीनी एयरफोर्स के पास सुखोई 30 के दो वेरिएंट्स MKK और MK2 है, मगर वो भारतीय सुखोई से कम दम रखता है। भारत की तरह चीन ने इन्हें अपने हिसाब से नहीं बनाया बल्कि डिजाइन कर कॉपी तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।